राजस्थान में कमला नदी में डूबी नाव, नाव पर सवार थे 12 लोग, 10 लोग तैरकर बचाई जान, 2 लोग अब भी लापता। ज्यादातर नाव पर सवार थे छात्र, परीक्षा देने आ रहे थे कुशेश्वर स्थान। जिला प्रशासन और पुलिस के लोग मौके पर मौजूद। जिले के कुशेश्वर स्थान इलाके के कोनिया गांव के पास कमला नदी में नाव डूबने से अफरा तफरी मच गई। नाव पर करीब 12 लोग सवार थे, जिसमें से 10 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई, लेकिन 2 लोग अब भी लापता है। नाव पर ज्यादातर छात्र सवार थे, जो इंटर के परीक्षा देने के लिए कुशेश्वर स्थान आ रहे थे। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं आनन फानन में पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच घटना की जानकारी ली। इसके अलावा लापता लोगों की तलाश के लिए एसटीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। कई इलाके के लोग घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। वहीं स्थानीय लोग अपने स्तर से दोनों लापता लोगों की तलाश में जुट गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 12 लोग नाव पर सवार थे, तभी नाव अचानक डूब गया, जिसमें 10 लोग तो किसी तरह बच गए, लेकिन 2 लोग लापता है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के लोग भी घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पानी की धार तेज होने के कारण नाव हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोग लापता है, जबकि 10 लोगों ने तैरकर जान बचा ली है। दोनों की तलाश के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बुलाया गया है। नाव खुले, यहाँ खुल के यहाँ पे आया नाव, आदमी सवार था, नाव को करंट पे चलने नहीं दिया और थोड़ा हवा भी चल रहा था, उसमें नाव रुक गया। कितने लोग सवार थे? 12 आदमी थे। सब 10 आदमी ऊपर हुए, 2 लापता है। जानकारी मिली है कि सब परीक्षार्थी था, छात्र था क्या? छात्र था। कितने लोग को ऊपर किया गया अभी तक? 10 आदमी का। 2 लापता है ना। अच्छा, सुबह में हम लोगों को पता चला कि ऐसी घटना, एक बोट डूबने की एक घटना हुई थी, जिसमें कुल 12 लोग सवार थे उस पर। 10 लोगों को रिकवर किया जा चुका है, 2 लोगों की खोजबीन जारी है। अभी एसडीआरएफ की टीम को भी कॉल किया गया है। स्थानीय स्तर पर सभी लोग लगे हुए हैं, उसमें प्रशासन और पुलिस सारे लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कम्प्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।